एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। ये स्वेलिंग दिखिए, ये है परफेक्ट रिपोर्टिंग का साइन। इस तरह की अगर स्वेलिंग दिखती है और पत्ते गिरने वाले होते हैं, ये देखिए गिर गया, और यहाँ देखिए, और तो ये है रिपोर्टिंग का साइन, तब आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। या फिर रूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस प्लांट को मैंने पिछले साल रिपोर्टिंग नहीं किया था। इस प्लांट को मैंने वायरिंग किया था, तब एक अजीब सी टेक्निक इस्तेमाल की थी। ब्रांचों को मैंने क्लॉकवाइज ट्विस्ट किया था, सभी ब्रांचों को। शायद इसकी वजह से ही कुछ ब्रांचेस चली गई है। तो ऐसा करने से ज़्यादा फ्रूट्स आते हैं अमरूद में, तो मैंने इस पे ट्राई किया था। वैसे वो भी मैंने ट्रायल किया हुआ नहीं था, वो जो भी वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पे, उसे देख के ही मैंने ट्रायल किया था। तो चलिए, कुछ हुआ नहीं। इस बार क्या होता है देखिए, इस प्लांट में फ्लावर भी आते हैं मगर अभी फ्रूटिंग नहीं हुई है। तो चलिए मैं रिपोर्टिंग कर लेता हूँ। ये यहीं मेरे प्लांट्स के नज़दीक प्रो हुआ था, और वहाँ से मैंने उसको हार्वेस्टिंग करके एक छोटा सा सैपलिंग लगा दिया था। पहले भी मेरे पास था ऐसा प्लांट, मगर सर्वाइव नहीं कर पाया था मैं। तो चलिए कुछ वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके बड्स इतने नाजुक नहीं होते। तो चलिए वायरिंग करके देखते हैं। ये थोड़ा डेलिकेट होता है, तो ज़्यादा ट्विस्टिंग ना करे। वैसे तो ये थोड़ा बहुत ब्रेक हो भी जाता है, तो फिर से हीलिंग कर लेता है, मगर फिर भी संभाले, क्योंकि डायबैक हो सकता है। थोड़ा और कर्व रिफाइन करते हैं। यहाँ थोड़ा ब्रेक हुआ था पिछले वक्त, हीलिंग हो चुका है। थोड़ा ब्रांचों को मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ से हमारा होगा एपेक्स ऊपर, थोड़ी बहुत स्टाइल है, टेपर भी हुआ है बहुत ही अच्छा इस बार, मगर ज़्यादा ट्विस्टिंग ये साउंड आ गया है यहाँ। तो ज़्यादा ट्विस्टिंग करेंगे तो उसमें क्रैक सी साउंड आएगी। ये पिछले बार का ही यहाँ वायरिंग है, मगर ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। ग्रोथ होगा फिर वाइगर ग्रोथ होने दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी टेपर चाहिए। तो ये जो सेक्रीफाइस ब्रांच बनाएंगे हम, चलिए थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग एंड थोड़ा चॉपिंग करते हैं एपेक्स पे। इसको तो हम कभी चॉप नहीं करेंगे कुछ एक आध साल तक। यहाँ कुछ वायर मार्क्स हैं जो कि मिट जाएंगे, तो चलिए उसको निकाल लेते हैं पॉट से। कुछ एंकरिंग किया है नहीं वो चेक कर ले। पहले किया था, मगर वायरिंग दूसरी बार किया था तब उसको निकाल लिया था मैंने, तो मैंने कुछ एंकरिंग तो किया नहीं है। तो चलिए उसको निकालते हैं। अलग हो चुका,
या कुछ लगता है कोई वायर अटका है तो उसको पहले निकालना पड़ेगा। शायद दूसरी जगह से भी अटैच होगा, तो चलिए निकल आया है ये सब। और उसी पोर्ट में मैं रिपोर्टिंग करने वाला हूँ। तो पहले थोड़ी रूट को देख लेते हैं, तो उसके लिए एक स्टिक हो तो अच्छा है। तो बहुत ही अच्छी फाइन रूटिंग हुई है, यहाँ वायर अटैच है इसलिए नहीं निकल रहा था। ये ऊपर का वायर तो हमने निकाल दिया था। तो चलिए पहले पॉट तैयार कर लेता हूँ मैं। चलिए पॉट तैयार है, अब थोड़ी सी रूट ट्रिमिंग। रूट को कुछ लोग वॉश आउट भी करते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करने वाला। इस तरह से लाइट ट्रिमिंग कर लेते हैं तो चलता है दोस्तों, क्योंकि तब नई रूट्स ग्रो होने लगेगी। ये ठीक है, अच्छी सी रूटिंग हुई है, यही हमारे लिए अच्छी बात है। और उसी पोर्ट में फिर से मैं लगा दूंगा। और पहले मैं थोड़ी सॉइल दे देता हूँ, बाद में हम प्लांट को एंकर कर देंगे वायर से। इससे क्या होगा, रूट रिहाइड्रेट नहीं हो पाएगी। तो चलिए पहले टाई कर ले। रूट्स कुछ बीच में आ रही है, हो सके तो अच्छे से रूट भी फैला ले, मगर चलिए ये हो गया अटैचमेंट। और ये दूसरा वायर को भी अटैच कर लेते हैं। जिससे प्लांट को ट्रांसपोर्ट भी करना पड़े, कहीं ट्रांसफ़र भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वायर भी कोटेड है, तो कोई उसकी केमिकल रिएक्शन की वजह से भी कोई शायद इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए हमने प्लांट को सेट किया है, और अब कुछ सॉइल मिक्स। ये हमारा अगला स्टेप होना चाहिए, मिट्टी को प्रेस करना, और अंदर कोई गैप नहीं रहनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग। बड़े बड़े ब्रिक पाइप्स ऊपर है तो निकाल ले। हो सके तो ऊपर कुछ बालू रेत या मिट्टी लगा सकते हो, मगर मैं इसे ही रखूंगा। तो चलिए दोस्तों हो गया हमारा रिपोर्टिंग, एक फ्लोटिंग प्लांट है। देखते हैं इस साल क्या होता है। थोड़ा टेम्परिंग बड़ा है, स्टाइल भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, ब्रांचों का प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, यहाँ कुछ मूवमेंट क्रिएट करते हैं।
ठीक है, देखते हैं क्या होता है अपडेट में। तब तक हमारे साथ बने रहे दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।